एसकेएच न्यूज चैनल के दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं उमाकांत पचौरी और आप देख रहे हैं फिरोजाबाद का नंबर एक न्यूज चैनल एसकेएच न्यूज। फिरोजाबाद में नगर विधायक मनीष ससीजा ने किया नगला बिचलू में 1,00,000 लीटर क्षमता के CWR भूमिगत जलाशय का भूमि पूजन। देखिए हमारे संवाददाता अमित पारासर की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के लोकप्रिय विधायक श्री मनीष ससीजा जी के कर कमलों से आज नगला विष्णु में 1,00,000 लीटर क्षमता के CWR भूमिगत जलाशय का भूमि पूजन किया गया। साथ ही नगर की जनता से अपील की है कि जिन रिहायशी गलियों में जल निगम द्वारा गंगाजल की नई पाइपलाइन डाली जा रही है, वहां ऐसे लोगों के घरों में जहां पहले कभी पानी का कोई कनेक्शन नहीं था, पहली बार नए पानी के कनेक्शन होंगे। उनको असीजा के बड़े निर्देशों के अनुपालन में जल निगम द्वारा मैं सामग्री व लेबर उपभोक्ताओं द्वारा पूरी तरह निशुल्क लगाएंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष कनीलाल गुप्ता, श्री मोहन श्रुति, श्री राकेश यादव, स्थानीय पार्षद श्याम सिंह यादव, हरिओम वर्मा, किशन मुरारी अग्रवाल, कुप्पू राजोरिया, निहाल सिंह कुशवाहा, संजय गोरख, विनोद राठौर, मीरा शर्मा, सुनील मिश्रा, प्रेमचंद संकवार, मनोज संकवार, विद्याराम संकवार, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा, सत्यवीर गुप्ता, प्रेमवीर सप्ता, अरविंद प्रमोद बघेल, भगवान दास शंखवार आदि लोग मौजूद रहे। तो जवाब समित पास है रिपोर्ट एसकेएच न्यूज़। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो मैं जरूर चाहता हूं कि थोड़ी कुर्सी ऐसी कर रहे आप सब लोग गौर से समझ लें। माननीय योगी जी की जनता पार्टी की सरकार करने वाली है, इसके लिए मेरी पार्टी के सभी नेता, मेरे सभी सम्मानीय पार्षद, सभी सम्मानित अधिकारी, कर्मचारी, समाज सेवी, जनता के लोग और सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, क्योंकि देखिए गोवर्धन पर्वत जो है, बांके बिहारी जी तो है ही हैं, बांके बिहारी जी कृपा से, मैया रानी कृपा से सब काम हो रहा है, लेकिन हम सब उनके ग्वाल बाल हैं। हम सब भी तो अपनी एक एक लाठी लगाएंगे। तो जिन घरों में पहली बार कनेक्शन हो रहा है, उससे कोई आदमी पैसा नहीं मांगेगा, उसको निःशुल्क कनेक्शन दिया जाएगा। और माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित है कि फिरोजाबाद के हर घर में कोई घर नहीं छूटेगा जिसमें गंगा जल ना पहुंचे और सुबह शाम भरपूर पानी ना मिले। यह मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा।